तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र और आप देख रहे हैं पुरानी बॉक्स। और आज हम आपको लेकर आ गए हैं फिरोज़ शाह कोटला में। फिरोज़ शाह तुगलक का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसे फिरोज़ शाह कोटला क्यों कहा जाता है क्योंकि ये बहुत 2 किलोमीटर के दायरे में फैला है। तो कोटला एक, ये कह सकते हो, एक नगर को या एक किले को कोटला कहा जाता था, इसलिए इसे फिरोज़ शाह कोटला कहा जाता है। 1354वीं ईस्वी में इसे बनाया गया और फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। आपने सुना होगा नाम मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के ये चचेरे भाई थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि बाद में प्राप्त की। सुल्तान की गद्दी पर वो बैठे। इस पूरे शहर को उन्होंने बसाया, शहर में उन्होंने मस्जिदें बनवाई, इन्होंने उसमें बावली बनवाई, इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई जो एक शहर को शहर बनाती हैं। आप अभी जो मेरे सामने देख रहे हो, जो मेरे आसपास जो इलाका देख रहे हो, ये जो जितनी चीज़ें देख रहे हो, या आप महल का एरिया देख रहे हो, दीवाने आम और दीवाने खास की कल्पना करने वाले ये पहले सुल्तान थे। इसके बाद ही मुग़लों में और बाकी अन्य सुल्तानों में, अन्य बादशाहों में ये चलन शुरू हुआ कि वो दीवाने आम और दीवाने खास बनाते। इस पूरे किले को 700 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और ये अभी खंडहर अवस्था में। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ की और चीज़ें और चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की मस्जिद, यहाँ की जिन्नों की कहानियाँ, और चलते हैं पूरा एक्सप्लोर करने के लिए अंदर। तो दोस्तों, इस पूरे किले को बड़ा रहस्यमयी माना जाता है और एक रहस्यमय चीज़ मेरे पास में है, ये है यहाँ की बावली। इस बावली का उस वक्त यूज़ किया जाता था पानी की सप्लाई के लिए, लेकिन साथ में इसे परियों की बावली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो बावली है अब आजकल पूरी तरह बंद है। इसका कारण बताया जाता है कि ये बावली का जो पानी है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ खींचता है। इसके बंद होने से पहले कहा जाता है कि लोग इसमें कूदकर अपनी जान दे चुके थे। सरकार तंग आ गई थी और उसके बाद इस बावली को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और अब आप देख रहे हो यहाँ घास फूस भी उग रही है, लेकिन इसको काटा नहीं जा रहा है। और ठीक हमारे नीचे देखिए आप, बिल्कुल पूरी घास फूस को एकदम काटा जा चुका है, एकदम सफाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर घास फूस को बढ़ने दिया जा रहा है जिससे पब्लिक आसानी से इधर ना जा पाए। तो इस रहस्यमय बावली को के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, लेकिन सच में ये खौफनाक और रहस्यमय तो है ही, क्योंकि इस तरह घास फूस को वरना नहीं उगने दिया जाता। तो और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं बड़े वाले लाट वाले बाबा की तरफ। तो दोस्तों, ये जामी मस्जिद है और ये जामी मस्जिद में यहाँ से एंट्री करते हैं। और इस जामी मस्जिद के साथ आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल इसके सामने अशोक का स्तंभ। इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक कहानी है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। फिरोज़ शाह तुगलक एक बार अम्बाला से होकर गुजर रहे थे जो आज पंजाब में है। वहाँ उन्होंने कोने जैसा चमकता हुआ एक स्तंभ देखा और वो बहुत अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस स्तंभ को, इस खंभे को तो दिल्ली के फिरोज़ शाह कोटला में होना चाहिए था। उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि उस पिलर को, उस स्तंभ को दिल्ली में लाया जाए। लेकिन इस पिलर को दिल्ली में लाना इतना आसान भी नहीं था। इस पिलर को वहाँ से लाने के लिए पहले वहाँ से इसको उखाड़ा गया और इसको खाल में, कच्ची खाल में और भी कई तरह की इमली की खालों में इसको लपेटा गया और सुरक्षित उखाड़ कर इसको लाने के लिए रुई के बड़े बड़े बिस्तर बनवाए गए। और कहा जाता है कि इस पिलर को लाने के लिए अम्बाला से रुई के बड़े बड़े बिस्तरों के साथ साथ 48 पहियों की बड़ी सी गाड़ी भी बनवाई गई। और ये भी कहा जाता है कि उस गाड़ी को खींचने के लिए सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन हाथी इस पिलर को खींचने में नाकाम रहे। हुआ ये, उस 48 पहियों की गाड़ी को खींचने के लिए फिर एक पहिए पर 200 लोग लगाए गए। और ऐसा कहा जाता है कि 2000 लोगों ने घसीट कर इस पिलर को अम्बाला से दिल्ली लेकर आए, तब जाकर ये पिलर यहाँ पहुँचा। लेकिन ये पिलर को लगाने के लिए, इस स्तंभ को यहाँ लगाने के लिए जो बेस्ट शिल्पकार थे उस वक्त के, जो टॉप आर्किटेक्ट थे, उनकी मदद से उसको यहाँ स्थापित किया गया। इस पिलर को अब
लाट वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस पिलर की हिस्टोरिकल वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। इस पिलर पर कहा जाता है अशोक के जो नियम कायदे कानून सिद्धांत लिखे गए थे जो उस वक्त तुगलक की समझ के बाहर थे, लेकिन जब आज इनको स्टडी किया जाता है तो इसकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी निकल कर आपके सामने आती है। तो इस पिलर की वैल्यू बहुत बहुत ही ज़्यादा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है जामी मस्जिद। फिरोज शाह कोटला में ये प्राइवेट मस्जिद हुआ करती थी फिरोज शाह तुगलक की। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात को जिन आकर जो अर्जियाँ होती हैं लोगों की उनको यहाँ पर अल्लाह ताला के सामने पेश करते हैं और उन तक उनकी बातें पहुँचाते हैं। तो ये मान्यता है लोगों की यहाँ। और अगर इसके इतिहास को बात की जाए तो ये जो मस्जिद है, कहा जाता है कि तैमूर लंग जब आया भारत तो उसने इस मस्जिद को देखा, उसने ठीक इसी तरह की मस्जिद समरकंद में बनवाने का हुक्म जारी कर दिया। और इस मस्जिद के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसी मस्जिद है जो 700 साल पुरानी है और आज भी यहाँ नमाज अदा की जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस वक्त हम भारत की सबसे पुरानी वर्किंग मस्जिद में खड़े हैं। अभी हम फिरोज शाह कोटला के अंदर खड़े हैं और जैसा कि आपको पता है ये जिन्नों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्नों के लिए फेमस है। और मैं आपको उसका एक नमूना दिखाना चाहूँगा कि क्यों ये जिन्नों के लिए फेमस है। तो हम आगे चलकर देखते हैं। ये जामी मस्जिद है और जामी मस्जिद के नीचे ही बिल्कुल ये कह सकते हो इस तरह के रूम्स बने हुए हैं जिनके अंदर अब जाना अलाउड नहीं है। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। इस तरह के लेटर्स, इस तरह के कह सकते हो अर्जियाँ लोग लगा कर यहाँ जाते हैं और हमेशा ये ख्वाहिश रखते हैं कि जिन बाबा आकर रात को उनकी अर्जियों को अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे और उनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। कहा जाता है कि यहाँ जो भी ख्वाहिशें लिख कर इस तरह से छोड़ दी जाती हैं जिन उनको अल्लाह ताला तक आसानी से पहुंचा देते हैं। कहा जाता है कि इंसान को मिट्टी से बनाया खुदा ने और नूर से बनाया फरिश्तों को और बिना धुएं वाली आग से जिन्नों को बनाया। और वो ये वही जिन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे जिन होते हैं कुछ और कुछ होते हैं बहुत ही खतरनाक जिन, बुरे जिन। और कहा जाता है कि फिरोज शाह कोटला में अच्छे जिन पाए जाते हैं जो लोगों की मदद करते हैं और तभी लोग इस तरह के लेटर्स यहाँ पर लिखकर अर्जियाँ छोड़कर चले जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ जिन्नों की, जिन्नों के बारे में कहा जाता है जब जिन्नों को बनाया जा रहा था तो खुदा ने जिन्नों से बोला कि आप इंसान को सजदा करो। उनमें से एक जिन था इबलीस जिसने इंसानों को सजदा करने से मना कर दिया और कहा कि इंसान हमसे कम काबिल हैं तो हम उनको सजदा क्यों करें। और तब से ही इबलीस और उसकी जमात ने इंसानों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और उन्हें बुरे जिन कहा जाने लगा। इसके अलावा जितने जिन थे जो इंसानों को सजदा करने के लिए तैयार हो गए थे उन सब जिन्नों को अच्छे जिन के रूप में जाना जाता है और वही अच्छे जिन यहाँ रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे रूम्स हैं जिनके इस तरह से गोल गोल गेट्स हैं और यहाँ लोग अपनी अर्जियाँ लगाकर चले जाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे बड़े जिन जो है, सबसे बुजुर्ग या सबसे सीनियर जिन जो है यहाँ रहते हैं ऐसा माना जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं एक दीपक भी जल रहा है और यहाँ लोग अपनी अर्जियों को लगा कर जाते हैं। अगर किसी की शादी होती है तो वो यहाँ अपनी शादी का कार्ड रख कर जाते हैं। यहाँ सबसे बड़े जिन रहते हैं ऐसा माना जाता है। एक चीज़ मुझे देखने को मिली है जो मैं आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि इस पूरे महल में अंडरग्राउंड रास्ते थे और उनमें से एक रास्ता मुझे यहाँ देखने को मिलता है। तो देखिए इस रास्ते के बहुत चौड़ा ये रास्ता है और कहा जाता है कि यहाँ से इस किले में किला राय पिथौरा तक भी यहाँ से रास्ते जाते हैं
और सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के शिकारगाह तक भी यहाँ से रास्ते जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ इस किले के बारे में, तो इस किले में जिन्नों की कहानी कहाँ से शुरू होती है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और तुर्कमान गेट के पास बहुत सारी, ये कह सकते हो कि वहाँ झुग्गियाँ थी जिनको हटा दिया गया, और वहीं से एक शख्स थे जिनको भी वहाँ से हटना पड़ा, और वही शख्स इस किले में आ गए जिनका नाम लड्डू शाह था। लड्डू शाह के बारे में कहा जाता है कि लड्डू शाह जब यहाँ आ गए थे तो उनकी जिन्नों से पहली बार मुलाकात हुई और जिन्नों से उनकी दोस्ती बढ़ गई, और कहा जाने लगा कि लड्डू शाह ने ये कहा कि यहाँ अगर आप कुछ भी दुआ करते हैं, कुछ भी अपनी ख्वाहिश रखते हैं तो जिन्न पूरी कर सकते हैं। तो लड्डू शाह के बारे में पहली गवाही मिलती है यहाँ जिन्नों के होने और ना होने के बारे में। सच क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो गुरुवार के दिन आते हैं और जो यहाँ अपनी अर्जियाँ छोड़ते हैं, उससे तो यही लगता है कि लोग विश्वास करते हैं। तो दोस्तों ये था फिरोज़ शाह कोटला जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। हम यहाँ आए और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की और भी शानदार से शानदार वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो अब चलते हैं घर, बाय बाय।